हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और आप सभी का मेरे टेक्निकल के चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी सीखेंगे कि फ्रेंड्स आप कैसे अपने फेसबुक अकाउंट की फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैसे एक बार में डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबको पता ही है कि आपके फेसबुक अकाउंट पर बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको देखने को मिलते हैं कि आपको बहुत लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में अपने फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। फेसबुक ऐप को ओपन कर देने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आ जाता है। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपको ऊपर पीपल का आइकन देखने को मिल रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट का आइकन देखने को मिल रहा है। आप उस पर क्लिक कर लेंगे। उस पर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं मुझे यहाँ पे कुल 31 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। अब फ्रेंड्स आपको इन फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट करना है, तो आप डिलीट कैसे करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं, आपको कन्फर्म के बगल में एक डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप फ्रेंड्स डिलीट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो डिलीट यहाँ पे हो जाती है। देख सकते हैं लिख के आ गया रिक्वेस्ट रिमूव्ड। और अगर आप दूसरे पे क्लिक करेंगे तो दूसरी भी हो जाएगी, तीसरे पे क्लिक करेंगे तीसरी भी डिलीट हो जाएगी, अब इस पर क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप एक एक करके ही अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप एक ही बार में अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप केवल एक ही करके ही अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट कर पाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं डिलीट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप ऐसे ही अपने फेसबुक अकाउंट की फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप जब भी अपना फेसबुक अकाउंट चलाते हैं हैंग करने लगता है, मतलब चलाने में दिक्कत होती है, इसलिए फ्रेंड्स फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट करना होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप अपने फेसबुक अकाउंट से अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट को बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हैं।